कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार, वही कर दिया है रूस ने। रूस ने अब जबरदस्त एक्शन लिया है जिसमें यूरोप भी फंस गया है और अमेरिका भी फंस गया है। वहीं दूसरी तरफ रूसी फाइटर जेट की जिम्मेदारी भारत ने ले ली और हैरत में है दुनिया कि भारत को ये जिम्मेदारी कैसे मिल गई। और देखता रह गया है चीन, जानेंगे कि क्या मामला है, कैसे रूसी फाइटर जेट भारत के हाथ लग रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर, ये तो दुनिया को दिख ही रहा है, और आर्थिक रूप से रूस को तंग करने के लिए लगातार प्रतिबंध लग ही रहे हैं। लेकिन अब की बारी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो रूस के साथ गैस और तेल का व्यापार अभी भी कर रहे हैं। चीन और भारत की बात नहीं कर रहे हम लोग, बल्कि ये देश वो देश है जो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं, यानी कि यूरोप के देश और नाटो के मेंबर, क्योंकि इनकी सारी जरूरत पूरा करता है रूस। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत अकेला देश नहीं है, बल्कि उसके और भी सहयोगी हैं जो रूस से अभी भी तेल और गैस ले रहे हैं। और जिस तरीके की ठंड पड़ रही है इस इलाके में, ऐसे में अगर रूस ने इसे बंद कर दिया तो समझिए ये बेमौत मारे जाएंगे। इस बार तगड़ी वाली चाल चल दी है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान है कि रूस अब अपने मित्र देशों के अलावे बाकी सभी देशों से सिर्फ रूबल में ही पेमेंट लेगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि रूस को भारी आर्थिक नुकसान के लिए ऐसे ही प्रतिबंध लगे, वैसे ही उसकी करेंसी रूबल में जबरदस्त गिरावट आई। एक समय $1 की कीमत 100 रूबल के पार पहुँच गयी। अब रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि रूस जो मांगेगा तेल उनको तेल देगा, जो मांगेगा प्राकृतिक गैस उनको गैस देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो पहले से तय दाम है उसी पर। ये मत सोचो कि हमने भारत को दे दिया छूट तो सभी देशों को छूट देंगे, लेकिन मित्रता की सूची में नहीं है, उनको रूबल में पेमेंट करना होगा। आपको बता दें, भारत से जब व्यापार होता है तो भारत रुपए में पेमेंट करता है, जबकि बाकी देशों के लिए देश है उसके, उसने हाल में एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में जो भी उसके अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं वो पे करेंगे रूबल में, तभी उन्हें मिलेगा। अब इससे क्या होगा आप समझिए। यूरोपीय देश क्या करते हैं, यूरो में पैसे देते हैं, इससे रूस का विदेशी मुद्रा बढ़ता है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल तो रूस कर नहीं पा रहा है। यूरोपीय देश उसे यूरो में भुगतान करते हैं, इससे रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ता है, लेकिन इस विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल तो रूस कर नहीं पाएगा, और इन सब चक्कर में रूबल कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन अब इन यूरोपीय देशों को रूबल में पेमेंट करना होगा, मतलब रूबल के वैल्यू में जहां उछाल आएगा, तो वही इसका दूसरा मकसद समझिए। अब स्थिति ये हो गई कि पहले पेमेंट करना आसान था, अब मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया तो यूरोपीय देशों को तेल नहीं मिलेगा समय पे आपूर्ति नहीं होगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इन देशों में तेल और गैस के दामों में जबरदस्त उछाल आएगा, और जैसे जबरदस्त उछाल आएगा, इन देशों की जनता अपने देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। जैसे ही देखा जाता है तेल और गैस में उछाल आते ही सबसे पहले जनता रिएक्ट करती है। वैसे आपको बता दें, रूस ने जो ये लिस्ट जारी की है, इस सूची में कौन कौन है? अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन। वैसे इन देशों के साथ कोई भी रूसी कंपनी बिना सरकार के अनुमति के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती है। मतलब हर तरीके से अब यूरोप को और अमेरिका को दंड देने पर उतर आया है रूस। हालांकि रूस की ये बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं दूसरी तरफ रूस का एक बड़ा काम अब भारत करने वाला है। अभी तक हमने देखा अफ्रीका में चीन को अगर किसी देश से चुनौती मिल रही है तो वो देश है भारत। अफ्रीका में भारत को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। रणनीतिक रूप से भारत की ये बहुत बड़ी जीत है कि भारत की एंट्री अफ्रीका में हुई है। अफ्रीका में इस वक्त चीन इतना बदनाम हो गया है और भारत को जिस तरीके से अधिकार भी मिल रहे हैं और सम्मान भी मिल रहा है उससे चिढ़ चुका है। अब अफ्रीका में निवेश करने के बजाय पैसे को मिडिल ईस्ट में लगा रहा है चीन, के 20 देशों में अब भारत की पकड़ चीन से कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब उसी अफ्रीका में रूस यूक्रेन की जंग ने भारत की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया।
लिया है और ये अवसर रूस की वजह से भारत को मिल रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक सपना देखा था, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। ऐसे देश को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा था चीन और यहाँ अपने हथियारों का एक बहुत बड़ा मार्केट भी देख रहा था, पर उसकी अब ये सारी चीजें धरी की धरी रह रही हैं, क्योंकि भारत ने उससे अब ये बाजार छीनना शुरू कर दिया है। चूंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं रूसी हथियारों पर, रूसी फाइटर जेट पर, ऐसे में रूस फंस गया है बुरी तरीके से। रूस ने भी अफ्रीका में अपने कई फाइटर जेट और कई हथियार बेचे हैं। अब समस्या ये हो गई है कि अफ्रीका के देश रूस के साथ व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, प्रतिबंधों के डर से डिफेंस के क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब ये जो देश हैं, जिसमें से ज्यादातर देश रूस और चीन के फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, उनमें से एक युगांडा भी है। युगांडा ने सुखोई 30 फाइटर जेट को खरीदा और अब वो मुश्किल में फंस गया है, उसे अपग्रेड कराना है और रूस से डायरेक्ट वो अपग्रेड करा नहीं पाएगा। ऐसे में युगांडा को समझ में नहीं आया किसकी मदद ली जाए और कैसे वो अपने सुखोई 30 फाइटर जेट को काम करने लायक बनाए। समस्या ये थी कि अब उसके अंदर इस बात को लेकर भी गुस्सा बढ़ रहा था कि मैंने रूस से खरीदा ही क्यों सुखोई 30। पर अब इस समय भारत आ गया सामने और भारत ने ये कहा कि ठीक है, आपके सुखोई 30 के मेंटेनेंस, रख रखाव और इसको अपग्रेड करने की पूरी जिम्मेदारी होगी हमारी। आप सोचेंगे सुखोई 30 विमान है रूस का, तो भारत ऐसा क्यों करेगा? को बता दें, भारत के पास सुखोई के प्रोडक्शन का लाइसेंस भी है। जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को जान ले, भारत सक्षम है सुखोई 30 को अपग्रेड करने के लिए। रूस ने उन सारी टेक्नोलॉजी से भारत को पूरी तरीके से लैस कर दिया है, जिससे भारत सुखोई 30 का मेंटेनेंस भी कर सकता है और इसे अपग्रेड भी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रूस की तरफ से एक इशारा नहीं होगा? 2011 से रूस का ग्राहक है युगांडा और अचानक से भारत के पास तो नहीं आ सकता है। जरूर ये भारत और रूस की नीति का परिणाम है। ऐसे समय में रूस भले अपग्रेड न कर सकता हो, पर अपने ग्राहकों को भारत की तरफ रूट जरूर कर रहा है। यही वजह है कि युगांडा के साथ भारत की ये डील हो पाई। वैसे आपको बता दें, 2011 में युगांडा ने जब सुखोई विमानों को खरीदा था, वो पहला अफ्रीकी देश था जो इतने उन्नत विमान को खरीद पाया था और अब उसकी सबसे बड़ी टेंशन भारत ने दूर कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, उसने इस बार बिल्कुल सही निर्णय लिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।